हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है एमपीसीएस की तरफ से रिगार्डिंग, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे स्टूडेंट। 21 तारीख के बाद में कोई ऑनबोर्डिंग नहीं आ रही थी, सर कब ऑनबोर्डिंग होगी हमारा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मोस्टली 6 to 7% ऑनबोर्डिंग हुए थे। मैंने एक पोल भी किया था जो कि कम्युनिटी सेशन में हमने जो कि किया था यूट्यूब पर, तो उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ने वोट्स किया था, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा कि कितने लोगों की ऑनबोर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। अभी रिसेंटली में आज एक गुड न्यूज़ आई है एमबीसीएस की तरफ से, एक नेक्स्ट ज्वाइनिंग के लिए एमबीसीएस ने मेल रिलीज़ किया हुआ है, नेक्स्ट ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है गाइस। हाँ, तो मई सेशन स्टार्ट होने वाला है, मई सेशन में भी कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। जो अप्रैल सेशन में देखने को मिली थी उससे ज़्यादा बैचेस की ज्वाइनिंग होने वाली है, कितने ज्वाइनिंग होने वाले हैं बैचेस, और नेक्स्ट ज्वाइनिंग अनाउंसमेंट है जो रिसेंटली में आई है उसके बारे में न्यूज़ क्या है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन गाइस इस वीडियो में देने वाला हूँ। गाइस आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। इन द मई सेशन हाउ मेनी बैचेस विल बी ऑन बोर्ड? आई थिंक सो गाइस इन मोर देन द अप्रैल सेशन देर विल बी ऑन बोर्डेड मोर देन 4 बैचेस विल बी ऑनबोर्डेड इन अप्रैल सेशन, बट नाउ इन मे सेशन देर विल बी अ मोर देन अ 4 सेशन ऑल्सो। सो देर इज अ मेल रिगार्डिंग द एमफेसिस टीम ग्रेटिंग फ्रॉम द एमफेसिस कैंपस हायरिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर इनिशिएटिंग योर ऑनबोर्डिंग टू एमफेसिस, योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी 10th May 2023। अंडरस्टैंड गाइस, 10th मे इज योर द ज्वाइनिंग डेट, आफ्टर द 10th मे यू विल ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट ज्वाइनिंग ऑल्सो। मैनी कैंडिडेट गेट द सेम मेल आई डी, सेम मेल ऑफ द 10th मे, एंड आफ्टर 2 or 2-3 दो तीन दिन के बाद में गाइस आप लोगों के पास भी मेल आ जाएगा। गाइस 11, 12, 13 में इन 3 days में भी आप लोग की एक ज्वाइनिंग आ सकती है, क्योंकि 11, 12, 13 में इन मतलब 2 दिन में भी ज्वाइनिंग आ सकती है। तो गाइस आप लोग अब डरिए मत, आप लोग अब होप रखिए आपकी ज्वाइनिंग होगी, कंफर्म है ज्वाइनिंग होगी। जितने भी परसेंट लोग ज्वाइनिंग हो चुकी थी आप उनकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है जो रह गए थे, और नेक्स्ट बैचेज है जो कि 4 से 5 से ज़्यादा से बैचेज उसकी ज्वाइनिंग होने वाली है मई सेशन में, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली गाइस आप लोगों के लिए। अब आप लोग होप मत होइएगा। और बात करते हैं LOI जिनका एक्सपायर हो गया था, जो 30 अप्रैल को एक्सपायर होने वाला, उसकी कोई बात नहीं है क्योंकि उन्होंने नोटेड डाउन कर लिया। काफ़ी लोगों के पास मेल आए होंगे कि अभी हैव नोटेड डाउन ऑफ योर ऑन बोर्डिंग रिगार्डिंग द LOI और समथिंग लाइक दैट मेल दैट यू हैव रिसीव्ड इन एमपीसीएस टीम, तो उसमें लिखा था कि उन्होंने नोट कर लिया है बैचेस में कि कितने कितने बैच में कितने 400 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट इतने बैच में उनको ऑनबोर्ड करने हैं, तो उन्होंने नोट डाउन कर लिया। LOI की कोई बात नहीं गाइस, आप लोग पैनिक मत हुई, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ईजी होती जा रही है एमपीसीएस जितने भी कैंडिडेट हैं, तो आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट है और सेमेस्टर मार्कशीट डिग्री उस वो अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके रख लीजिए, क्योंकि अगर उसमें डिले हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जो भी मेल आता है, आप लोग इमीडिएटली अप्लाई कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिए एप्लीकेशन, जो भी एक्सेप्टेंस फॉर्म होगा और कोई भी शिफ्ट का बर्थ भी होगा वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा वहाँ पर, और रिवर्ट बैक मत करना गाइस। मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ, जितना भी आपको मिल रहा है उतना एक्सेप्ट कर लेना गाइस। 10th मई को ज्वाइनिंग होने वाली, इसके बाद जो भी अपडेट आएगा रिसेंटली, नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगा तो मैं गाइस आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, अपडेट देता रहूँगा रोज़ आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।